चलियां इतनी चौड़ी नहीं है, उसकी सड़कें इतनी कुशादा नहीं है कि इतनी बड़ी जो तादाद में लोग हैं मुड़िया आए उनको जो है वो उसमें कमा सके। यही वजह है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद गलियों के अतराफ गलियों में इधर मुख्तलिफ एक दूसरे के साथ कहने से कहना मिलाए खड़ी नजर आ रही है। ये सिलसिला दूसरा रोज से जो शुरू हुआ था अब उसमें इतना इजाफा हो गया है कि जिसकी काउंटिंग करना जो है मुमकिन नहीं है। अभी ऐसे कुछ कदम जो है वो यहाँ पर जोहर की अजान दी गई, उसके बाद बाद मकाम पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है नमाज जोहर की अदायगी की जा रही है, जिसके बाद जितने भी लोग हैं वो सब कोशिश में है कि वो उस तरफ जाए जहाँ पे पूसा वगैरह की जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनको लहर लौटा जाएगा। इसलिए मैं उसी जज्बे उसी जोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जमात के वो लोग जिनका ताल्लुक पूसा वगैरह के मरीजों से है। और उसके साथ साथ जब जैसे ही पी सुकत में शराजी राजा सही का इंतखाब का ऐलान किया गया तो कोई बहुत से लोग नहीं दे सके ना उनको भी दीदार कर सके। तहम जो शहर पीजी बोर्ड के अतराफ के जो मुख्तलिफ बच्चे हैं वहाँ पर जो मदरसा मस्जिद मदरसा है स्पीकर मेहमान खाने हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर के जरिए इस चीज का अरेंजमेंट था जो ऐलान हुआ। लोगों ने उन गलियों में जो मौजूद थे लोग उन शहरों पे जो मौजूद थे खाली प्लास में जो लोग मौजूद थे मेहमान खाने में जो लोग मौजूद थे जो रस्ते में मौजूद थे जो फुटपाथ पे बैठे हुए थे जो छतों पे खड़े हुए थे उन सब लोगों ने उस फैसले को लबेक कहा और उसके फौरन बाद एक मुख्तलिफ टाइम में मुसलसल बेस वगैरह के नारे गूंजते रहे। ये न सदा थी जो अपनी मुश्किल को ये हर जमात के लोग किया करते हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर जो लोग मौजूद थे एक तरफ उनके पास वो आंसू हैं जिसके तहत उनके आज उनके जो साथी पीस वगैरह थे उनको लहर में उतारा गया था, तो दूसरी जानब एक मुसरत भी है वो ये मुसरत है कि उनके नए जो पीस वगैरह है उनका इंतखाब ऐसे तरीके से हुआ। यहाँ पर कोई डिस्प्यूट या कोई किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन इस जमात के अंदर मौजूद नहीं है। जो खलीफा फैसला करते हैं उसी फैसले को आमीन कहा जाता है, इसी चीज को जो है अप्रिशिएट किया जाता है बहुत ज्यादा यहाँ पर इस जमात के अंदर जिसको बहुत ज्यादा मनजम जमाती कहा जाता है। ये वजह है कि यहाँ पर लोग बहुत पुरजोश अंदाज में मौजूद हैं पर उनकी आंखें नंदा हैं क्योंकि उनके साथी पीस वगैरह का जो इंतकाल हुआ है उनकी आज तकसीम भी होनी है नमाज जनाजा भी होनी है और बहुत से लोग मुंतजर हैं कि उनका आखिरी दीदार कर सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ पर आई हैं। मुत्तहदा मूवमेंट की राबता कमेटी के रुकन डॉक्टर सफीर अहमद वसीम आफ्ताब इशफाक मंगी यहाँ पर पहुंचे हैं नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। वज़ीर आज़म के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी पहुंचे हैं, शाह महमूद कुरैशी पहुंचे हैं। इसके अलावा सिंध पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ मकाम पर जो मुख्तलिफ छोटी छोटी गलियां हैं उनके जो पीर साहबान हैं वो तमाम पीर साहबान यहाँ पर मौजूद थे। पीर साहब वगैरह के खलीफा ये सब वो लोग हैं अहम मुस्लिम लीग फंक्शन की जो क्यादत के अरकान है जिनमें अरकान असेंबली सूबाई और कौमी असेंबली सेनेट उसके अलावा जो सूबाई वज़रा है वो फाकी वज़रा है वो तमाम के तमाम यहाँ पर एक मरीज की हैसियत से मौजूद है जो कि इस नमाज जनाजे में शिरकत के लिए लाए तशरीफ काम उनसे ज्यादा एक बहुत बड़ी तादाद उन मरीजों की है जो सिंध और पंजाब बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो पीर साहब वगैरह की इस नमाज जनाजा में और उनकी तकरीर में शिरकत के लिए आए हैं। यहाँ पर लोग पैदल भी चल के आए हैं, लोगों के पैरों में चप्पल नहीं है और सबसे सफेद टोपी है जो कि उनकी पहचान समझी जाती है वो जमात की और सफेद टोपी के साथ यहाँ पर हम लाखों लोग हमें